भगवान ने सृष्टि रचना के विषय में सोचा तो नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो चार मुख ब्रह्मा जी के हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैं किसका बेटा हूं जरा पता करूं, नाल को पकड़ के ऊपर नीचे आ जाते तब आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। तो पहली बार ब्रह्मा जी ने चार ऋषियों को उत्पन्न किया, किसको? सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, चार ऋषियों को उत्पन्न किया। ये भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। बोल सनकादिक भगवान की। अब चारों को जैसे प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने कहा लाभ जाओ सृष्टि की रचना बढ़ाओ। बोले प्रभु ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये घर के झंझट, ये पूड़ी पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई वाले झंझट ये हमसे नहीं हो पाएंगे, हम तो भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो दोनों भ्रकुटी सिकोड़ी ऐसे करके, और जैसे भ्रकुटी सिकोड़ी तो रोता हुआ बच्चा भगवान शंकर रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बोल शंकर भगवान की। भागवत के अनुसार भगवान शिव ब्रह्मा जी की भ्रकुट से उत्पन्न हुए। तो अब शंकर जी प्रकट हो गए। अब शंकर जी तो मस्त मौला दुनिया में, भगवान शंकर इतने भोले कि जो सबसे बेकार चीज हो वो शंकर जी पे चढ़ा दो शंकर जी प्रसन्न हो जाते है? और देवता के लिए चंदन रबड़ी रसमलाई इत्र सुगंधी सब ले जानी पड़ती है, इनको भांग धतूरा और एक लोटा जल ले लो शिव जी प्रसन्न। बाबा खड़े हो गए, बताओ ब्रह्मा जी क्या आज्ञा? बोले आज्ञा यही है कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब भोले बाबा तो भगवान के नाम में लीन और सृष्टि रचने लगे तो ऐसी अद्भुत सृष्टि रच दी, किसी की आंख लगाई तो हजारों आंख ही आंख लगा दी, किसी के पेट लगाए तो हजारों पेट ही पेट लगा दिए, कदुआ जैसे सब कद्दू जैसे, किसी के टांग लगाई तो 10 टांग लगा दी लंबी लंबी लंबी। विकलांग पेंशन वाला भी परेशान कि मैं सर्टिफिकेट किस चीज का बनाऊं। सब अद्भुत सृष्टि ब्रह्मा जी ने कहा सरकार आप बंद करो, आप और आपकी सृष्टि दोनों जाओ कैलाश पर। भोलेनाथ पूरी सृष्टि लेके आ गए कैलाश पर। भगवान भोलेनाथ के पास वो हमेशा सृष्टि रहने लगी। भगवान के गढ़ कौन है? कौन है? भूत प्रेत। जब भगवान शंकर की बरात, मुझे थोड़ा सा प्रसंग याद आ गया, चूंकि भागवत का नहीं है फिर भी याद आ गया तो मैं सुना ही दूं। जब भगवान शंकर का विवाह तय हो गया तो बारात जाने की तैयारी हुई तो विष्णु भगवान ने बढ़िया से बढ़िया कार्ड छपवाया, सुंदर इनविटेशन कार्ड। अब बढ़िया से बढ़िया बारात के लिए घोड़े हाथी की तैयारी करवाई। अब ऑडी मर्सिडीज तो तब चलती नहीं थी, नहीं तो वो भी बुक करवा देते। बढ़िया बढ़िया और सब बढ़िया बढ़िया ब्यूटी पार्लर में तैयार होके आए। अब तो ब्यूटी पार्लर तो नहीं था, ये मत कहना महाराज कहाँ लिखा है, क्योंकि कथा वही है जो चरित्र सुनाओ तो चित्र सामने आ जाए। सुंदर तैयार होके आए। अब सब तो तैयार हो गए पर दूल्हा को बज गए 6 लेकिन अभी तक बैठा नंग धड़ंग। विष्णु जी ने कहा अरे दूल्हा सरकार तैयार तो हो लो। शंकर जी ने कहा अब तो शाम को 6 बज गए, कोई ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुला होगा। अरे शंकर जी के गढ़ आ गए। बोले चिंता क्यों करते हो, हमसे सुंदर कौन तैयार कर सकता है? हाँ हमने पूरा कोर्स कर रखा है 6 महीने वाला। अच्छा फिर भैया तैयार कराओ। आप भोले बाबा को तैयार करने लगे। हाँ रामचरित मानस में लिखा अद्भुत श्रृंगार किया। शिव ही शंभु गढ़ कर ही श्रृंगारा, वही शंभु गण कर ही श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, वही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, वही शंभु गण कर ही श्रृंगारा।
जटा फूट रही मोर सवारा, जटा फूट रही मोर सवारा, ओ कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभू बोले दूल्हे के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अब बताओ आप लोग, आपके तो बन चुके हैं वो दूल्हा। सबसे पहली जरूरत है मुकुट। अब बाबा का मुकुट कहां से आए, दुकान तो बंद हो चुकी थी भाईंदर वाली है, सो बाबा का मुकुट बनाया गया कैसे, जटाओं को समेटा और गोल गोल करके मुकुट बना दिया। अब क्या बचा, बोले अब सहरा बचा, सहरा चाहिए। तो सहरा के लिए कहां से फूल माला है, तो भृंगी ने कहा मैं बढ़िया सा सहरा बनाऊंगा। बोले कैसे, आप पतले पतले बढ़िया बढ़िया सर्प ढूंढे, और सर्प ढूंढ के बाबा के इधर 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 खूब सर्प लगा दी। अब नंदी ने जैसे ही देखा तुरंत डांट लगाई, भृंगी ये तूने क्या किया। अब भृंगी को लगा मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या किया, बोला रे बावरे ये बीच में से नीला रंग वाला सांप हटा, यहां पे काला लगा, मैचिंग नहीं हो रही है। बाबा का नीला हटा के काला लगाया गया, तैयार। अब कंगन कहां से आए, तो का कंगन बने बनाए, बोले क्या छोटे छोटे सर्प लिए और कंगन बना दिए, कुंडल बिच्छू उठाई बाबा ने कुंडल। अब सब तो हो गया पर क्रीम पाउडर तो लगा ही नहीं, बाबा ने कहा अपनी रेडीमेड पाउडर लाओ, कौन बढ़िया शमशान से चिता भर के आई, बाबा ने सुंदर फाउंडेशन लगाया, शमशान का फाउंडेशन लगा पाओगे आप लोग, अरे इतने डरपोक लोग हो आप।